कढ़ी पत्ता बहुत सारे आपके रोगों को दूर करेगा और बहुत सारे रोगों से आपको यह बचाएगा। तो अल्सर के लिए, आंतों के घाव के लिए और आपके गैस के लिए, इंडाइजेशन के लिए यह बहुत ही रामबाण है। यह वनस्पतियाँ हमें जीवन दे सकती हैं, हमें रोगों से मुक्त कर सकती हैं, यह निरापद हैं। देखिए, मैं कहता हूँ, संसार के अंदर उस दोस्त को सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है जो अपने गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटी करोति। शास्त्र कहता है कि जिनको प्रकट नहीं करना चाहिए उनका प्रकट न करें और जो प्रकट करने की चीज़ हैं उनको वह प्रकट करें। तो इसी तरह से यह वनस्पतियाँ जो आपके दोष हैं उनको तो यह दूर करती हैं, जो आपके गुण हैं उनको यह हमेशा बढ़ाती हैं। तो वास्तव में दुनिया के अंदर जो मित्र की परिभाषा की गई है, यह इनके पास में यदि आप बैठते हैं, यह संध्या का समय है, मुझे इस विहड़ जंगल में, इस घनघोर जंगल में अकेले बैठने पर भी शायद अकेलापन इसलिए महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि मैं इन वनस्पतियों के साथ हूँ। मेरे साथ में ये वनस्पतियाँ हैं, इनके साथ इनकी निकटता आप महसूस करें। यह आपके दोषों को दूर करती हैं, आपके गुणों को ये वनस्पतियाँ बढ़ाती हैं। इसीलिए इन वनस्पतियों के द्वारा हम निश्चित रूप से अपने जीवन को सुंदर, आनंदमय और निरामय हम बना सकते हैं। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था कढ़ी पत्ता, यह मीठा नीम के विविध गुणों के संदर्भ में। एक और गुण मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह गुण है इसका, यदि आपको आपके शरीर में कहीं पर भी पूरे शरीर में खुजली होती हो, दांत खाज हो, तो इसके जड़ों को निकाल करके, उस जड़ के छिलके को घिस करके यदि उस जगह लगाते हैं तो उससे वह दांत खाज, खुजली भी ठीक हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, पत्ते को पीसकर चेहरे पर लगाने से जो पिंपल्स हैं, झाइयाँ हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। और यदि इस कड़ी पत्ता के तने की छाल को लेकर के या जड़ की छाल को लेकर के घिस करके, चंदन की तरह छाल को घिस करके यदि आप लगाते हैं अपने चेहरे पर, तो आपकी फुंसियाँ, आपके दाने ख़त्म हो जाएंगे और बहुत भीनी भीनी खुशबू इसमें से आती है। ये बड़ा मन को भाने वाली बहुत ही अच्छी खुशबू भी इसके अंदर है। तो यह बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही लाभकारी यह प्रयोग है। तो निश्चित रूप से आप आज से इस मीठा नीम को, इस कढ़ी पत्ता को सिर्फ कढ़ी पत्ता के रूप में नहीं, एक औषधीय पत्ता के रूप में जान गए।